नमस्कार दोस्तों, ईजी नौकरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ने एक नया नोटिस निकाला है जिसमें कि लोको पायलट और टेक्नीशियन ग्रेड की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसमें उम्र को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे परीक्षार्थियों में बड़ी भ्रम की स्थिति थी। तो 8/2/2018 का ये नोटिस है। तो दोस्तों, ये नोटिस है जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाला गया है 8 फरवरी 2018 के दिन, जिसमें साफ कहा गया है कि सम कैंडिडेट हैव अप्रोच टू आरआरबी रिगार्डिंग अपर एज लिमिट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ एएलपी और टेक्नीशियन। एएलपी और टेक्नीशियन की जो पोस्ट थी उसमें सम कैंडिडेट आरआरबी पर को लगातार फोन कर रहे हैं या एसएमएस कर रहे हैं या उनको आरटीआई फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ चैनल्स ने भी कहा था कि एज लिमिट जो है वो पहले 30 थी, अब 27 कर दी गई है। ओबीसी की 30, एससी एसटी के लिए 32 कर दी गई है। लेकिन रेलवे ने साफ सर्कुलर पैरा 137(2) के तहत उन्होंने बताया कि 1989 का जो रिप्रिंट दोबारा प्रावधान हुआ था 2009 में, उसके अकॉर्डिंग एएलपी या टेक्नीशियन की जो डेट उम्र रहेगी वो अपर एज लिमिट रहेगी, वो 27 साल ही रहेगी। जबकि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी छूट नहीं होगी। ओबीसी के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 32 से ज़्यादा अपर लिमिट नहीं होगी। जबकि 2/3/2015 में एक और नोटिफिकेशन आया था रेलवे की तरफ से, जिसमें 3 साल की सभी कैटेगरीज में छूट दी गई थी। लेकिन रेलवे ने अब इसे कह दिया कि ये टेम्परेरी मेजर्स में 4 साल पहले किया गया था और 2015 का इस नोटिफिकेशन से कोई भी मतलब नहीं है। तो 8/2/2018 में निकाले गए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि अब अभ्यर्थी जो 27 साल अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी 30 और एससी एसटी 32 साल के हैं या उसके अंदर हैं, वही इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। अब रेलवे इसमें कोई भी उम्र बढ़ाने का प्रावधान नहीं है, तो कहीं ना कहीं निराश करने वाली खबर है। जो अभ्यर्थी 27 से ऊपर नजर में या 30 से ऊपर ओबीसी, एससी एसटी 32 से ऊपर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, रेलवे ने इस बात को स्पष्ट कर दिया इस नोटिस से। अगले वीडियो के साथ ईजी नौकरी किसी भी नई न्यूज़ के साथ एक बार फिर उपस्थित होगा। थैंक यू वेरी मच।